ये तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज आपका भाई कत ही दिल्ली जा रहा है। तो आज अपने साथ हैं जीजू और दीपेंद्र भाई भी हैं, अपने डॉक्टर भाई। तो अभी सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं, हम लोग अभी निकले हैं। दीपेंद्र ब्लॉगिंग, उनका चैनल है गाइस शोभला हिमाचल, आप जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। आपको कतई जहर वाले ब्लॉग मिलेंगे वहाँ पे हिमाचल के। गाइस अभी हम जा रहे थे तो यहाँ हमारी गाड़ी का बिल कवर निकल चुका है। तो एक अंकल आए थे, उन्होंने बताया कि आपकी गाड़ी का बिल कवर निकल गया। यही बताया गया, ये इस साइड होना। तो हमारी गाड़ी का बिल कवर गिर चुका था, जो कि एक अंकल ने यहाँ पे रख दिया था। फिलहाल मिल चुका है, ये खुद ही निकल जा रहा है। तो अभी हम हरियाणा में चल रहे हैं। यहाँ पे हमें बताया था कि आपका बेल कवर गिर चुका है, इससे पता चलता है कि हरियाणा के लोग भी थोड़े ईमानदार हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं पिंजौर, ये पिंजौर मार्केट है। अभी हमने पिंजौर क्रॉस किया है। तो हमारी फर्स्ट रेड लाइट आ चुकी है, इससे पहले हिमाचल में तो कोई रेड लाइट नहीं है। भाई बहुत कम, जरूरत ही नहीं है, लोग अपने हिसाब से निकलते हैं। यहाँ पे चलते हैं लोग ऐसे, हम हिमाचली जो होते हैं ना गाइस, बहुत सेंसिटिव होते हैं, पीस माइंडेड। और गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे भूंड में 15-20 जन बंदे बैठे हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं भूंड में एक बहुत ही सुंदर कन्या जा रही है। कन्या को देख के आप कन्या मत हो जाना। ट्रक वालों ने तो बहुत अच्छी लाइनें लिखी होती हैं अपनी गाड़ियों के पीछे, जैसे कि इस भाई ने लिखा है चल रानी तेरा रब रखा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कितने बंदे भरे पड़े हैं भुंडरू में, हमारे हिमाचल में होता है ऐसा तो चलान था भाई, चलान। आप नो फार्मर नो फूड नो फ्यूचर, तो भाई फार्मर्स को सपोर्ट कीजिए। अच्छा किया है ये लोग, तो भाई लीजेंड होते हैं, लीजेंड। वो तो आपको पता होगा क्या क्या होते हैं ये। दैट्स ए वे ऑफ थिंकिंग, केमिस्ट्री एंड कैम्बियम। लोग जीरकपुर नेशनल हाईवे पे निकल चुके हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल अच्छे रोड हैं, क्लियर बिल्कुल। हमारी गाड़ी भी 100 से ऊपर जा रही है। बाकी तो आप छोड़िए, चचा को देखिए, चचा भी 80 की स्पीड से निकल रहे हैं स्प्लेंडर लेके। तो गाइस हमारी दिल्ली दूर नहीं रही, बस बढ़ गया रहा। अभी तो लगभग ज्यादा से ज्यादा 200 किलोमीटर रहा होगा। तो अभी अपने भाई हो चुके हैं बिल्कुल मस्त, डांस करने के मूड में हो गए हैं। Yeah.
ਕਾਗਦ ਕਾਂਗੜ ਬਬਲੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਵਾ ਦੋਰਾ। गाड़ी तो मैक्सिमम 130 से ऊपर जा रही है, मतलब हैप्पी ड्राइवर बन रही है। हैप्पी ड्राइवर कुछ कहना चाहते हैं आप? हैप्पी ड्राइवर हो, देख लो तो भाई बोलना पड़ेगा घर में थोड़े। हाँ फ्रंट इसके लिए चाहिए, अब आप ले लो बरना बुरना बढ़िया। तो कोविड और ये जो किसान प्रोटेस्ट चल रहा है इसकी वजह से देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी शिविर लगा हुआ है किसानों का। तो वो जितने भी टोल प्लाजा हैं हिमाचल और पंजाब, हरियाणा और पंजाब के, वो बंद किए गए हैं इस टाइम पे। चलो अच्छा ही है, थोड़े पैसे बच रहे हैं। तो गाइस चंडीगढ़ रह गया पीछे, अभी हम पहुँचने वाले हैं अम्बाला में। तो अम्बाला में हमें थोड़ा गाड़ी का काम भी करवाना है, थोड़ा रुकना भी है वहाँ पे, ब्रेकफास्ट भी करना है। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में, मिलते हैं आपसे हम। अब यहाँ पे हिमाचल की तरह कुछ दिखाने को तो है नहीं, यहाँ पे तो सीधे रोड है, ये अमृतसर चला गया नीचे वाला। वासियों का तो कोई पता नहीं, भाई जीजू का कोई पता नहीं कि एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं। दीपेंद्र भाई तो फुल एंजॉय कर रहे हैं। लो दोस्तों देखते देखते हम पहुंच गए अम्बाला शहर, ये अपना अम्बाला शहर, हरियाणा का अम्बाला शहर पहुंच गए हम, स्वर्ण द्वार। तो गाइस सरप्राइज हो गया है, यहाँ पे अचानक से बारिश लग गई है, पर आप देख सकते हैं गाड़ी की स्पीड इतनी ज़्यादा है, बारिश की बूंदें रिफ्लेक्ट हो रही हैं ऊपर को। हाँ देखो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छावनी है, यहाँ के हरियाणा की छावनी है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन और उत्तर रेलवे आपका स्वागत करती है। रेलवे स्टेशन यहाँ है नीचे। तो अभी एक मिनट में फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है, यार हो क्या रहा है आज, एक जगह पे है 10 मिनट बाद है नहीं, 5 मिनट बाद है नहीं, भाई धुआं निकालती हुई जा रही है गाड़ियां। तो बरसात के मौसम में ऐसे होता है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ, शायद आप देख पाए, एक छोटे से पुल के नीचे देखिए सभी बाइकर्स कैसे इकट्ठे हो गए हैं। तो ये भेड़ बकरियां फिर से मिल गई हमें ट्रामा सेंटर। आज हमारे साथ कुछ ज़्यादा ही चमत्कार हो रहे हैं, अभी एक मिनट पहले इतनी भयानक बारिश लगी हुई थी पीछे, तो यहाँ पे देखो बिल्कुल जैसे बारिश का नाम निशान ही नहीं है। तो अपने दीपेंद्र भाई कुछ बोलना चाहते हैं, बोल रहे हैं यहाँ पे, बोल रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल निमला हो चुका है, निमला निमला हिमाचली में बोलते हैं निमला, मतलब कोई बारिश नहीं है, बिल्कुल साफ मौसम हो चुका है, क्या पता 5 मिनट बाद फिर से बारिश पड़ जाए। तो गाइस अभी हम पहुंचे शाहबाद, ये लुधियाना की एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से होके दिल्ली को रास्ता है, तो हम जिस उसी रोड पे जा रहे हैं यमुनानगर वाले।
यमुनानगर वाले हाईवे पे जा रहे हैं अब हम। तो गाइस हम पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र, यहाँ पे हुई थी पांडवों की लड़ाई, यहाँ पर जैसे ये जो खेत है ना इसमें हुई थी, ये कन्ने कन्ने लगा दिए ना यहाँ पे। ये रहे हमारे देसी लोग। तो खाना लग गया सबका, मेरा नहीं लगा अभी, मतलब अमेजिंग फीलिंग जाट। तो हम यहाँ करनाल के पास रुके हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी चाय आ गई है जो प्रॉपर देसी स्टाइल में है, स्टील के गिलास में जैसे हम घर में पीते हैं, इसमें कोई भी दिखावा नहीं है। ये देखिए, आइए चाय का टेस्ट लेते हैं। और ये हमारे मिस्टर ब्लॉगर चाय टेस्ट करेंगे। चलो करते हैं। सर कैसी है चाय? मजा आ गया भाई। मजा आ गया सही में? सही में। अच्छा आप चाय जरा टेस्ट कीजिए सर। चाय टेस्ट कर लीजिए, बहुत अच्छी है। अफीम की डली मिल जानी तो मजा आ जाना।